ग्वालियर में नाबालिग से दुष्कर्म, फिर थाना में पुलिस के सामने उससे मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को सीबीआई ने आरोप मुक्त करते हुए खात्मा रिपोर्ट लगाई थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। इतना ही नहीं, विशेष सत्र न्यायालय ने सीबीआई की खात्मा रिपोर्ट को पीड़िता के बयान के बाद अस्वीकार करते हुए मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 10 दिसंबर को तीनों को तलब किया गया है। सीबीआई ने इस केस की जांच हाई कोर्ट के आदेश पर की थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दुष्कर्म व मारपीट की पुष्टि नहीं की थी। आपको बता दें कि 15 साल की एक नाबालिग ने 31 जनवरी 2021 को सीएम हेल्पलाइन पर दुष्कर्म की शिकायत की थी। इसके बाद ग्वालियर की मुरार पुलिस उसे थाने लेकर आई। यहां पर उसने बताया कि सीपी कॉलोनी निवासी गंगा सिंह भदौरिया के मकान में वह झाड़ू पोछा का काम करती थी। 20 दिसंबर 2020 से उसे काम पर रखा था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती थी। 31 जनवरी की रात 8 बजे गंगा सिंह का नाती आदित्य भदौरिया और उसके एक दोस्त ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खोला तो आदित्य और उसके दोस्त कमरे में आ गए। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद वहां से धमका कर भाग गए। पुलिस ने आदित्य व उसके दोस्त पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है, पर मामला दर्ज होने का पता चलते ही आरोपी आदित्य भदौरिया का दादा व ठेकेदार गंगा सिंह भदौरिया थाने पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने उल्टा पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने कहा था कि उसे थाने में रात भर झाड़ू और डंडे से पीटा। उसके माँ पिता को थाने में बंधक बनाकर पुलिस ने पीटा। इसमें TI मुरार अजय पवार, सब इंस्पेक्टर कीर्ति उपाध्याय पर सीधा आरोप लगा था।